पॉइंट नंबर वन, अगर आप इरेंगल का मैप खेलो, इरेंगल के मैप में बहुत सारे ऐसे हाउसेज होते हैं जिनमें आपको सीढ़ियों से ऊपर जाना होता है। और भाई बिलीव करो जो मैं बता रहा हूँ ना, एकदम ट्रू बात बता रहा हूँ, 90% या फिर 80% चांसेस ऐसे होते हैं कि ऐसे हाउसेज में तुम सीढ़ियों से जब ऊपर जाओगे तो वो बंदा अगर ऊपर बैठा है तो वो तुम्हें मार ही देगा, चाहे तुम कितने भी कॉन्फिडेंस में जाओ। तो हमेशा एक थ्रोएबल करो ऊपर की साइड, तभी ऊपर की साइड जाओ, वरना मत जाओ। तो यहाँ पे देखो मैंने मौली की और वो बेचारा जलता हुआ नीचे की साइड आया और मैंने उसको बहुत ही आराम से मार दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाता, ठीक है, देखो मेरे पास हेलमेट भी नहीं था, वेस्ट भी नहीं थी, तो मैं यहाँ पे पक्का पेलने वाला था। और अगर आपके पास कुछ होता भी तो भी अगर आप यहाँ से ऊपर आते हैं तो ऊपर वाला डेफिनेटली आपको मार सकता है। 80-90% चांसेस होते ही होते हैं कि आप हर बार यहाँ पे मरोगे। तो इरेंगल में जितने भी ऐसे घर हैं उनको अवॉइड करो, डायरेक्ट उन पर मत जाओ, और उसमें ही आपका फायदा है। ठीक है, पॉइंट नंबर टू स्टार्ट करने से पहले मैं जानता हूँ कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि मैं यहाँ पे क्विक मैच का गेम प्ले क्यों खेल रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, देखो मेरे पास क्लिप्स खत्म हो चुकी हैं, मैंने क्लासिक में रिकॉर्ड नहीं किया गेम प्ले, बिकॉज मैं 2-3 दिन से लाइव आ रहा हूँ आपको पता है, और उस टाइम मुझे रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा। तो पॉइंट नंबर टू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऑलवेज मतलब ओपन में लूटने लग जाते हैं। ठीक है, हम लोग भी यार कई बार ओपन में लूटते हैं, बट मेक श्योर कि जब आपको पता है कि यार छोटा सा जोन है, मतलब काफ़ी बंदे हो सकते हैं लाइव, आप ऊपर देख सकते हो कितने बंदे और जोन छोटा होता है, तो हमेशा एक स्मोक करके लूटो, अदरवाइज मत ही लूटो। ठीक है, अगर आपके पास 20 गोलियां हैं, 30 गोलियां हैं, 50 गोलियां हैं, मत लूटो। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही खत्म हो तो तब आप कुछ और भी कर सकते हो, अगर बिल्कुल चांस नहीं है तब तो आप कैसे भी कुछ भी करो। ठीक है, वो मैटर नहीं करता, बट स्टिल अगर आपके पास कुछ एमओ है आपको फिर भी लूटना है तो प्लीज़ एटलीस्ट एक स्मोक कर लो और आराम से लूटो, उसके बाद आप जो भी मतलब जो लूट मिलती है उससे रश कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। पॉइंट नंबर थ्री, आपकी जो गन में एमओ पड़ी है ना उसको बचा के मत रखो यार। बहुत सारे लोग होते हैं जो सुस्ताते रहते हैं, गोली नहीं चलाते। ठीक है, जिधर भी यार तुमको लगता है ना कि उधर बंदा है, मान लो मैंने गलती से उस विंडो पे बंदा देखा, तो भाई अगर वो बंदा अब नहीं दिख रहा तो मैं फायर क्यों करूँ? ठीक है, मेरे को करना ही नहीं फायर क्योंकि अब वो बंदा तो दिख नहीं रहा है मुझे, बट भाई ऐसा नहीं करना है। हमेशा अगर तुम्हें लगता है कि यार वहाँ से साउंड आया, वहाँ पे बंदा हो सकता है या फिर वहाँ पे गलती से बंदा दिखा, तो भाई फायर करो अंधाधुन। ठीक है, गोलियाँ तो ख़त्म करो अपनी एटलीस्ट, या तो वो बंदा दोबारा देखेगा नहीं, अगर वो देखेगा तो वो प्री फायर में भी आ सकता है और मे बी गलती से उसका कोई शोल्डर दिख रहा हो लेफ्ट हैंड साइड का या राइट हैंड साइड का, तो गलती से वो नॉक हो जाए आपसे, कुछ भी हो सकता है। इसके चांसेस मतलब हर बार होते ही होते हैं। मान लो कि विंडो पे बंदा दिखा और आपको लगा कि यार मतलब यार नहीं यार अब वो देख ही नहीं रहा तो मैं गोली को चलाऊं, तो वो गलत बात है, आपको एटलीस्ट गोली चलानी चाहिए। बंदा पैनिक भी हो सकता है उस कंडीशन में, वो पैनिक होकर मान लो पीछे की साइड भागने लगे और आपको एंगल मिल जाए तो भी आप उसको मार सकते हो। और ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, बंदा पैनिक हो जाए और मान लो वो दोबारा देखे ना, तो उसके बाद आप जो चाहो कर सकते हो। ठीक है, आप नीचे जा सकते हो, रोड क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है आपने बंदे को डरा दिया, अब वो नहीं देखेगा, तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो अगर आप फायर करते हो तो सिचुएशन बदल सकती है, बट अगर आप बैठे ही रहोगे और सामने वाले को लगेगा कि यार ये तो नूब है, तो सामने वाला ऐसे ऐसे एक्शन लेगा कि आप मर भी सकते हो, वो फ्लैंक भी कर सकता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो प्लीज़ ऑलवेज फायर करो, बैठे रहने से कुछ फ़ायदा नहीं है। पॉइंट नंबर फोर, अब तुमको एक मस्त सी चीज़ बताता हूँ जो बहुत ही हेल्प करती है। मान लो तुमने एक बंदे को डैमेज दिया, देखो मैंने सामने वाले बंदे को डैमेज दिया, मुझे पता है कि वो बंदा डैमेज है, तो अब वो हील करे उससे पहले तुम क्या कर सकते हो, बेट बन सकते हो। देखो अब मैंने उधर मुँह करके भाग रहा था, मुझे पता था कि मैं अगर राइट साइड में भागूंगा तो बंदा दोबारा पीक करके मारने की कोशिश करेगा, हील नहीं करेगा, तो मैं उसको आराम से मार दूंगा। ठीक है, मैं तुमको एक बार और समझाता हूँ कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। मान लो तुमने एक बंदे को डैमेज किया सामने, ठीक है, और अगर तुम कवर में रुके हुए हो तो बंदा क्या करेगा, हील करेगा आराम से, ठीक है, और उठ के तुम्हें दोबारा मारने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसमें तुम मारोगे फिर उसको डैमेज दोगे, फिर ऐसे बहुत टाइम खराब होगा। या फिर तुम क्या करोगे, बंदे को डैमेज देके सीधा उसके मुंह पे भागोगे, और अगर डिस्टेंस अच्छा है तो सामने वाला बंदा क्या सोचेगा कि चलो मेरे सामने से ही भाग के आ रहा है, मैं पहले हील कर लेता हूँ फिर उसको मार लूंगा। तो ये दोनों चीज़ें नहीं करनी है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, अगर मान लो सामने वाले बंदे को तुमने अच्छा डैमेज दिया है, तुमको पता है कि यार मैंने बहुत अच्छा डैमेज दिया है, ठीक है, एक दो गोली का होगा, तो तुम क्या कर सकते हो, बेट बन सकते हो, उसके सामने से ऐसे भागो कि उसको दिखे कि तुम्हें मतलब तुम उसको नहीं देख रहे हो। ठीक है, उस साइड मुंह करके भागो या बैक साइड मुंह करके भागो, और जैसे ही तुम पे फायर करें ना, घूम के दो गोली मारो और बंदे को ख़त्म करो। तो यार ये मैं मतलब बहुत बार यूज़ करता हूँ, बेट बनता हूँ खुद और खुद ही उसको घूम के मार देता हूँ, तो ये ऑलवेज हेल्प करती है।
और हाँ मैं एक चीज और बता दूं, ऐसा नहीं है कि तुम लोग ये चीज कॉम्पिटेटिव में भी यूज करो, बिकॉज कॉम्पिटेटिव में तो भाई 1 HP क्लच भी कर देते हैं लोग। ये सिर्फ मैं क्लासिक गेम प्ले को इम्प्रूव करने की टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ, तो मेक श्योर कि आप क्लासिक में यूज करो, वरना कॉम्पिटेटिव वाले बंदों के रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट होते हैं कि तुम बेट भी बनोगे ना तो भी तुम ही बिलोगे, तो वो चीज कॉम्पिटेटिव में ट्राई मत करना, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि एक बंदे को मार के तुरंत कवर में जाएंगे, फिर एक बंदे को मार के तुरंत रिलोड लगाएंगे, एक बंदे को मार के हील करेंगे, एक बंदे को मार के सब कुछ, भाई वो एक बंदे को मारने के बाद वो स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना सा सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आपके गन में 30 MO है, 40 MO है, तो भाई वो पूरी ख़त्म नहीं हो जाती ना जब तक तुमको हील भी नहीं करना है और जब तक तुमको रुकना भी नहीं है, भाई गोली चलाते रहना है, ठीक है, जब तक पूरी ख़त्म नहीं हो जाती। अब इससे मतलब ये नहीं है कि तुम भाई चलाते जा रहे हो, ठीक है, सिचुएशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे सामने 2 बंदे हैं, ठीक है, दूसरा बंदा कवर में, एक बंदा ओपन से रश कर रहा है, तुमने यहाँ पे 30 MO अपनी पूरी की पूरी चला दी, ठीक है, जैसे मैंने अभी चलाई, अब देखो मैं, मेरे को कोई बंदा दिख भी नहीं रहा, मैं अभी तक रिलोड नहीं लगाया गन को, ठीक है, गन चेंज करी, गन चेंज करके फिर से मैंने मारना स्टार्ट किया, और फिर जब मुझे लगा कि हाँ ठीक है अब कोई नहीं आ रहा, तो फिर मैंने दोनों गन्स को रुक के आराम से रिलोड किया, उसके बाद में वापस स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही गन को, अगर मान लो TDM भी खेल रहे हैं, एक ही गन को बार बार रिलोड करते रहेंगे, उनको लगेगा कि यार जब तक कोई आ नहीं जाता जब तक मैं गन क्यों स्विच करूं, ठीक है, जब कोई आएगा तभी गन स्विच करूंगा, अभी तो मैं इसी को बार बार रिलोड करता हूं और इसी से मारने की कोशिश करता हूं। तो भाई ऐसा नहीं करना है, आपको गन स्विच करने की आदत डालनी है, वो जब ही डलेगी जब आप बार बार गन स्विच करोगे, ठीक है। तो बस मैं आपको एक इतनी चीज़ बताने वाला हूँ कि जितना फास्ट आप खेलोगे ना गेम, उतना ही फास्ट आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही फास्ट आप और खेलते जाओगे, और ये फास्ट होता जाएगा, स्लो नहीं होगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा सामने है तो फटाफट से गन स्विच करो, मारो, पूरी की पूरी एमो खत्म करो। अब देखो यहाँ पे मैं नीचे वाले बंदे को मार के ऊपर भी मार रहा हूँ, लेफ्ट भी मार रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है, इससे मैं थोड़ा और फास्ट खेल पा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मेरी दोनों गन्स रिलोड पे, मैंने आराम से खड़े होकर रिलोड किया, हील किया, उसके बाद में वापस जा रहा हूँ मारने, ठीक है। तो यही चीज़ आपको करनी है। तो पॉइंट नंबर 6 इज़ कि मैंने आपको अभी बताया था कि जहाँ पे बंदा पॉप अप हो सकता है, आपको लगता है फायर आ रहा है या जो भी है, वहाँ पे आपको फायर करना है, रिलोड नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखो राइट में से एकदम से बंदे ने जंप किया, मैंने इसको बहुत इजीली मारा, ठीक है, उसके बाद लेफ्ट में भी बंदे थे, मैंने उन पे भी फायर किया सेम एमओ के साथ, ठीक है, उसके बाद मैंने रिलोड लगाई और गेम जीत गया, तो मैंने उसको रिलोड भी नहीं लगाई, तो मैंने कहीं पे भी टाइम ख़राब नहीं किया, ठीक है। तो वही चीज़ आपको करनी है यार, आपको टाइम ख़राब नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 6 में मैं ये बताने वाला था कि जो एम ट्रांसफ़र किया है मैंने, आप ये देख सकते, ये इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आपको इसकी ड्रिल्स चाहिए तो आपको वीडियोस में मिल जाएगी, आप जाके ड्रिल्स की वीडियोस देख सकते हो, मेरे चैनल पे बहुत सारी ड्रिल्स की वीडियोस है, एम ट्रांसफर कैसे करना है, क्या है, क्या होता है, जो सब आपको पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 7 एंड दिस इज लास्ट पॉइंट, आप TDM में एक टारगेट सेट कर लो कि मैं जब भी जाऊंगा मेरे को एटलीस्ट 2 बंदे मार के ही मरना है, या फिर 3 बंदे मार के 4-5, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप एक टारगेट सेट कर लो, ठीक है, कि जब भी आप मतलब बाहर निकलोगे, ठीक है, अपनी अपने बेस से बाहर निकलोगे आपको कितने बंदे मार के वापस आना है, बिकॉज ये टारगेट सेट करने के बाद है ना आपका माइंडसेट भी बदलेगा। कैसे बदलेगा मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने सोचा कि ठीक है मैं 3 बंदे मार के ही वापस आऊँगा, 3 बंदे से पहले मैं नहीं आऊंगा, तो फिर क्या करोगे, आप अपना दिमाग लगाओगे, अपने गन पावर को छोड़ के अपना दिमाग से खेलोगे। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि सामने बंदा है, अगर मैं गया तो मर जाऊंगा और मैं 3 बंदे नहीं मार पाऊंगा, टारगेट फेल हो जाएगा, तो आप जाओगे ही नहीं, ठीक है, आप उस पर नेड करोगे, मॉली करोगे, ठीक है, आप अपना गेम सेंस यूज करोगे, फ्लैंक करोगे, सब कुछ करोगे आप अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका गेम सेंस बदलेगा, आपका माइंडसेट बदलेगा। क्लासिक में भी आप सेम चीज करोगे कि यार नहीं मरना नहीं है, कुछ भी करके उसको कैसे भी करके मारना है, ठीक है, ये करूंगा वो करूंगा, एंड सॉरी फॉर दिस बाइक की जो बैकग्राउंड साउंड आई है गंदी सी उसके लिए। तो कुल मिला के अपना टारगेट सेट करो कि मेरे को इतने बंदे मार के वापस आना है, उससे आपका डेफिनेटली गेम सेंस इंप्रूव होगा और माइंडसेट बदलेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर आपको और पसंद आई तो लाइक भी कर दो, और अगर जिनमें भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिन भी लोगों ने, तो फटाफट जस्ट क्लिक ऑन रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो फॉर मोर ऑसम एंड अमेजिंग वीडियो।